जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपके ईएल और सीएल छुट्टियों की, जो आपको एसएससी जीडी की जो जितने जवान भर्ती हो रहे हैं जो पैरा मिलिट्री में, तो किस प्रकार उनको छुट्टियाँ मिलती है और क्या क्या उनको छुट्टियाँ होती है उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों आप बने रहिए, आप जिस भी फोर्स को ज्वाइन करने वाले हो उसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कितनी छुट्टियाँ मिलती है, किस प्रकार से मिलती है, एक साथ मिलती है या नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो हम शुरुआत करते हैं असम राइफल से। दोस्तों असम राइफल में नॉर्मली जो यूनिट में छुट्टियां होती है वो होती है 60 दिन ईएल और 15 दिन सीएल। असम राइफल के जो हेडक्वार्टर, जो डीजी हेडक्वार्टर होता है उसमें थोड़ी छुट्टियां कम होती है, जिसकी वहां पोस्टिंग होती है उसको 30 दिन ईएल और 8 दिन सीएल दी जाती है। इतने कम क्यों दी जाती है, उसका रीज़न ये होता है क्योंकि डीजी जो हेडक्वार्टर होता है उसमें आपको सैटरडे संडे ऑफ रहता है, वहाँ सप्ताह में 5 दिन ही काम होता है, इसीलिए वहाँ पर ये छुट्टियाँ कम दी कर दी गई है। दोस्तों इसके बाद भी हम चलते हैं बीएसएफ। बीएसएफ में हेडक्वार्टर वाली वो सेम है, अगर डीजी हेडक्वार्टर में पोस्टेड बंदा है तो उसके लिए 30 दिन ईएल और 8 दिन सीएल होती है, बाकी यूनिट में फील्ड में 60 दिन ईएल और 15 डेज सीएल होती है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और बता दूँ मैं आपको कि जो सीएल होती है जो 15 दिन की, इसमें आपको गवर्नमेंट हॉलीडेज काउंट नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट हॉलीडेज का मतलब हो गया कि आप 15 दिन सीएल जैसे छुट्टी अप्लाई की हो तो उसमें जैसे संडे आपका या कोई और गवर्नमेंट छुट्टी, तो वो छुट्टियां 15 से ऊपर बढ़ती जाएगी। जैसे 3 संडे आ गए तो आपकी ये छुट्टी बन के हो गई 18, अब 3 और एक्स्ट्रा छुट्टी आ गई तो ये बन के हो गई 21 दिन, तो यानी इसमें गवर्नमेंट छुट्टियां काउंट नहीं होती है। दोस्तों इसके बाद में अब आते हैं एसएसबी। एसएसबी में भी सेम है दोस्तों, फील्ड में 60 दिन ईएल है, 15 दिन सीएल मिलती है। सीएल का नियम एसएसबी में भी सेम होता है दोस्तों। इसके बाद में हम आते हैं आईटीबीपी। तो दोस्तों आईटीबीपी में भी 60 दिन ईएल होता है और 15 डेज सीएल होता है, सीएल का नियम सेम होता है दोस्तों, सीएल में गवर्नमेंट हॉलीडेज काउंट नहीं होते हैं। फिर इसके बाद में जो सबसे कम छुट्टियां होती है वो होती है दोस्तों सीआईएसएफ में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में। तो दोस्तों इसमें होती है आपको 30 दिन ईएल और 15 डेज ही सीएल मिलता है। इसमें 30 डेज ईएल इसलिए कम मिलती है क्योंकि इनको फैमिली रखने की सुविधाएँ बाकी से फोर्सेज के अलावा ज़्यादा मिलती है, इनकी ज़्यादातर ड्यूटी इंडस्ट्रियल एरिया या सिटियों में होती है, तो इनको फैमिली रखने की सुविधाएँ होती है, इसलिए इनकी थोड़ी सी छुट्टियाँ कम है दोस्तों। तो इनको 30 दिन ईएल और 15 डेज सीएल, सीएल का नियम इनका भी सेम होता है दोस्तों। सेम का मतलब सीएल में इनका भी जो हॉलीडेज होते हैं गवर्नमेंट हॉलीडेज वो काउंट नहीं होंगे, तो मतलब ये छुट्टियाँ 15 दिन की है लेकिन 22-23 दिन तक बन जाती है। लास्ट में चलते हैं सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में दोस्तों होती है 60 दिन ईएल, 15 दिन सीएल, सीएल का नियम सेम होता है, वही गवर्नमेंट छुट्टियाँ उसमें काउंट नहीं होती है, मतलब ये 15 दिन की छुट्टी आपकी 22-23 दिन की छुट्टी बन जाती है। अब कई भाइयों का सवाल ये होता है कि क्या इनको एक साथ काट सकते हैं छुट्टियों को, तो दोस्तों बता दूं अगर जो नियम है वो तो ये है कि जनवरी से लेकर जुलाई तक आपको एक मंथ की छुट्टी मिलेगी, और सीएल का नियम नहीं है, ईएलईएल का बता रहा हूँ, और जुलाई से आखिरी दिसंबर तक एक मंथ की छुट्टी मिलेगी। लेकिन ये नियम है, आपकी कंडीशन के अनुसार आप 2 महीने की एक साथ छुट्टी भी काट सकते हो, वो आपके डिपेंड करता है कमांडेंट पर, और वो मिली जाती है आपको छुट्टी, उसमें घबराने की बात नहीं है, आपको छुट्टी एक साथ भी काट सकते हो दोस्तों। और जो 15 डे सीएल है ये कैजुअल लीव होती है, मतलब इमरजेंसी जो लीव बोलते हैं इनको, ये होती है, तो ये आप इमरजेंसी टाइम आने पर किसी भी टाइम आप काट सकते हो दोस्तों। इसके अलावा ईएल और सीएल में क्या फ़र्क होता है वो बता दूँ दोस्तों। ईएल जो 60 दिन की आपको जो छुट्टी मिलती है, अगर बाई चांस मान लो किसी साल आपके ऐसी जगह पोस्टिंग हुई आप छुट्टी ज़्यादा नहीं काट पाए, या अपनी इच्छा से भी आप ज़्यादा छुट्टी नहीं काटे हो, तो मान लो आपने 60 दिन में से 30 दिन छुट्टी काटी और 30 दिन जो छुट्टी बची है वो आपके रिकॉर्ड में जमा हो जाएगी, जो आपके आगे के रिकॉर्ड में दिखाती रहेगी दोस्तों। लेकिन सीएल है वो जमा नहीं होती है दोस्तों, अगर आप काट लिए तो काट लिए, अगर नहीं काटे तो भी वो जमा नहीं होगी। और 60 दिन की जो ईएल है इसमें से कम 30 दिन की आपको काटनी होती है, 30 दिन से नीचे की छुट्टियाँ जमा हो जाती है, जिनको फिर आप एलकेडी के रूप में आगे चल के ले सकते हो। इसके अलावा और कौन कौन सी छुट्टियाँ होती है, इसके अलावा होती है मेडिकल लीव, जो एक साल में 20 दिन मेडिकल लीव मिलती है दोस्तों। 20 दिन मेडिकल लीव का मतलब है कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी हो जाए या कुछ हो जाए, अगर आप उस दौरान हॉस्पिटल में रहते हो तो उस समय उन छुट्टियों में से काटा जाता है दोस्तों, आपकी पर्सनल छुट्टियों में से वो छुट्टियाँ नहीं कटती। तो 20 दिन जो मेडिकल लीव होती है दोस्तों, अगर आपने किसी साल में नहीं ली तो उसकी जमा 10 दिन ही होती है, तो 10 दिन आपकी जमा होती है दोस्तों। इसके अलावा जो छुट्टियाँ होती है मेडिकल वो होती है हाफ पे,
अगर आप किसी कई बार 4-5 महीने तक ही आपको छुट्टी लेनी पड़ जाए किसी कारणवश, आपके परिवार के किसी कारणवश, तो उसको हाफ पे वो करते हैं दोस्तों, तो उसमें आपकी पेमेंट आधी मिलती है आपको और वो छुट्टियाँ आपको 3 महीने तक मतलब ऐसे मिलती है दोस्तों। इसके अलावा और जो छुट्टियाँ होती है वो होती है LKD दोस्तों, लीव फॉर काइंडली, मतलब दयालुता के आधार पर जो कमांडेंट द्वारा छुट्टी दी जाती है वो किस कंडीशन में दी जाती है दोस्तों, कि अगर मान लो आपने छुट्टियां काट दी पूरी साल के 60 दिन EL और 15 दिन CLB काट दी, अब आपके घर में कोई इमरजेंसी काम हो गया, तो फिर उस समय जो आपको छुट्टी दी जाती है उसको बोलते हैं LKD। LKD आपकी जमा छुट्टियों में से काटी जाती है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों छुट्टियों का, क्योंकि छुट्टियों के बारे में काफ़ी मेरे को कमेंट बॉक्स में आए थे कि किस डिपार्टमेंट में कितनी छुट्टियाँ होती है, कब कब ले सकते हैं और क्या एक साथ छुट्टी ले सकते हैं। तो दोस्तों हाँ, एक साथ छुट्टी आप ले सकते हो 60 दिन मैक्सिमम, उसके अलावा 15 दिन CL आप उसके साथ में नहीं ले सकते। कब कब काट सकते हो वो आप पर डिपेंड करता है दोस्तों, आपके काम के अनुसार। तो ये आपका क्लियर हो गया दोस्तों। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट रहा है छुट्टियों में या कोई भी, तो मैं आज नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ आके मेरे को मैसेज करना, मैं वहाँ पर आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।